अस्सलाम वालेकुम, अभी हम गट वाला में इंटर हो चुके हैं। पतझड़ का मौसम स्टार्ट है और न्यू डेवलपमेंट ये हुई है कि इस रोड पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। अब आप रात को भी यहाँ आकर वॉक वगैरह कर सकते हैं। नहर अभी तक सूखी हुई है। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, कहीं भी कोई गंदगी वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो काफ़ी अर्से बाद वहाँ का चक्कर लग रहा है, तो उसके बाद खाने का भी प्रोग्राम है और फिर लेक पर भी आएंगे। अभी हम आ गए हैं, इंटर हो रहे हैं ज़ू के एरिए में। अब हम आ गए हैं गट वाला ज़ू में और आपको इसका विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे अक्सर रुका तो इधर मगरमच्छ होता है, तो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। आपको अब आपको यहाँ पे ये मोरों का ब्रीडिंग सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। वो देखें, अभी छोटा मोर है लेकिन उसने ना अपना फुल मस्ती पे आया हुआ है वाइट। ये इनके ना यहाँ पे वो बल्ब लगा देते हैं, ये जो आप गोल सा देख रहे हैं स्टील का, तो जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। सर्दियों में तो उनको हीट के लिए ये चाहिए होता है। और ये फीजेंट हैं, और ये भी है गोल्डन फीजेंट। यहाँ पे थोड़ा बड़े मोर रखे हुए हैं इन्होंने, तीन मोरनियाँ और एक मोर है। ये देखें फुल मस्ती पे आ गया है। और इसके पीछे जो दूसरे कॉर्नर पे वाला मोर है उसने भी अपने फुल पंख खुले किए हुए हैं। ये कोई 15 के इधर केज हैं जो अभी तक यहाँ पे जानवर वगैरह नहीं रखे हुए, बहुत कम है तादाद में। ये छोटा हिरन रखा हुआ है। आ जाए, हम दोबारा आपके इधर लेके आते हैं। ये भी चेक करें, ये सारी जो फीजन की ब्रीड्स हैं मुख्तलिफ।
और ये मगरमच्छ चेक करें, ये आपको क्लोज लुक चेक कराते हैं, इसका वाया चेक करें मगरमच्छ का, फुल आराम कर रहा है। ये जो दूसरे आप देख रहे हैं ना जंगल, सब में मगरमच्छ है, लेकिन वो कुछ पानी के अंदर होते हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं। अच्छी बांध रही है, ये नहीं, ये ना वे आवाज ही ना आवे। देखिए बाहर निकल आया है, लग रहा है हमारी आवाज सुन के। चेक करें, अच्छा ऐसे दो दरख्त अंदर में, अच्छा ये भी इन्होंने फीडर रखे हुए हैं, और वो दखनी तीतर रखे हुए हैं वो कॉर्नर पे, और वो अगले जंगले में देखें वहां काला तीतर भी इन्होंने रखा हुआ है। वो कॉर्नर पे, हाँ एक इस पिंजरे में भी मगरमच्छ है, वाइट ब्रीड है, वो चेक करें सोया हुआ है। चेक करें साइज में कितना बड़ा है। अब आपको इस वाइट मगरमच्छ के पास लेकर चलते हैं, इसे आप देखिएगा फुल मुंह खोल के बैठा हुआ है, साइज इसका चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ट्रैक भी बड़ा खूबसूरत है, वहाँ करने का भी मज़ा है, और ये सारा ब्रीडिंग सेशन है। ये जो नील गायें होती हैं, जो घड़ियाल होते हैं, वो सारे इधर हैं। वो कॉर्नर पे सब इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे आपको ले चलते हैं। बारह सिंगा और दूसरे हिरन वो इस साइड पे बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ धूप मिल रही है वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो दो बारह सिंगे भी इधर इन्होंने इस सेक्शन में रखे हुए हैं, तीन। ये चेक करें, वो घड़ियाल है और ये छोटे हिरन है। चेक करें ये घड़ियाल और ये छोटे हिरन। भाई मेरे तुम्हारा अभी आपको ना बारह सिंगा जो हिरण होता है उसका झुंड दिखाते हैं, वो भाग रहा है जादू। ये चेक करें,
ये वाला और वो वाला, ये इन सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं ये जो बारह सिंगा है। हो जा रहे हैं खा दिया ना, एक ये है चेक करें ये झुंड 7-8 हिरणों का, एक ये भी है। ये गन्ने की पांद होती है वो बड़े शौक से खाते हैं और सबज चारा बड़े शौक से खाते हैं। और वो उस साइड पे नमक भी रखा हुआ है, वो हिरण उसके पास जाके वो जुबान लगा रहा है उसे। अब आ गए हैं लास्ट गेज के पास, यहाँ पे आपको झुंड चेक करवाते हैं, बारह सिंगा का भी और जो नॉर्मल हिरण है उनके भी। ये हम तीन दोस्त हैं तो साथ चावल लेकर आए हुए हैं और ये बोतल। ये अभी खाना खाया है तो एक चक्कर दोबारा लगाना है इसी ट्रैक का, और चक्कर से पहले आपको मोर की पायल चेक करवा दें। माशाल्लाह और अब चलते हैं वाक पर। ये अमरूद के इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, ये इनका सबसे बड़ा सेटअप ये इन्होंने लगाया हुआ है, घड़ियाल का, हिरन का, बारह सिंगे का। इनका ब्रीडिंग सीज़न अगस्त से अक्टूबर तक होता है। और ये इनकी न्यू ब्रीडिंग वाला सेटअप इधर है, जो बच्चे अभी 5-6 मंथ के हैं वो सारा इस सेक्शन में इन्होंने रखे हुए हैं, और जो मादी हैं वो सारा इस सेक्शन में है। सीटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त किए हुए हैं इधर। वाक के लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ताज़ा हवा और कोई शोर वगैरह भी नहीं है। अभी यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लेक पर जाएंगे। इस मौसम में लेक का भी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। और ये सबसे बड़ा सर्कल इन्होंने ये बनाया हुआ है इनकी आबी हयात के लिए। जितने भी यहाँ पे इन्होंने केज बनाए हैं वो काफ़ी बड़े बनाए हुए हैं।
और फुल जंगल का टच दिया हुआ है। ये जगह अभी थोड़ी रिपेयर होने वाली है। ये भी इन्होंने नया बनाया हुआ है सीटिंग के लिए। अब आपको यहाँ पे कड़ियाल और हिरन चेक करवाते हैं। सबसे बड़ा इनका जो है ना ब्रीडिंग सेशन वो ये वाला एरिया है, लेकिन अभी वो दूसरी साइड पे हैं जहाँ पे धूप पड़ रही है। और ये आपको दिखाते हैं, इन्हें तो चौक करा है। मौसम जरा सर्दी का ना है, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਮਹਾਰਾ ਦਾ ਕਰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਤ ਆ ਗਏ। हिरन अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत तख्लीक है। और यहाँ पे काफ़ी तादाद में इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन लोगों का रुझान इस तरफ कम है। पब्लिक जगहों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये घड़ियाल खड़े हैं, तकरीबन हर केज में ही इन्होंने हिरन, नील गाय, घड़ियाल, बारहसिंगा रखे हुए हैं। वो पानी का इंतज़ाम किया गया है उस साइड पे। ये रास्ता रेजिडेंस की तरफ जाता है, चेक पोस्ट है। यहाँ जितने भी सफेदे हैं तकरीबन 3-1 फुट नीचे से उनकी छाल वो हिरन खा चुके हैं। अब आपको बारहसिंगा का एक दफ़ा दोबारा चेक करवाते हैं, कितने पुरसकून होकर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, अब जिस जगह से हम राइट टर्न हुए थे तो उधर ही हम आ चुके हैं दोबारा वॉक करते हुए। ये एरिया जिसने अभी तक विज़िट नहीं की ये जगह एक दफ़ा लाजमी यहाँ पर आएँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। किसी ज़माने में ये जो बने हुए हैं ना दरमियान में ऊंची जगह है, साइड पे यहाँ पे पानी हुआ करता था, और अब भी हयात यहाँ पे काफ़ी होती थी, लेकिन अब सारा सेटअप ही यहाँ पे हिरण वगैरह ला चुके हैं। ये देखिए, चेक करें हिरण का छोटा बच्चा, ये भी इनका झुंडी बैठा हुआ है।
ये न्यू ब्रीडिंग हुई है कुछ महीने पहले। अब तकरीबन वापस जा रहे हैं, टाइम तो है भी काफ़ी, यहाँ पे रुके हैं लेकिन आगे भी जाना है लेक पे। ये दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, आ जाओ। चेक करें पानी पिया जा रहा है, ये वाइट का जोड़ा बैठा हुआ है मोरों का। और ये खरगोश हैं, ये इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है अंदर। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये जगह बनाई हुई है, पुरसकून और जंगली हयात के लिए आइडियल। गर्मियों में इस सेक्शन में हिरन सारे ये छोड़ देते हैं, फ़िलहाल इन्होंने वाइट मगरमच्छ इधर रखा हुआ है। अभी आ गए हैं लेक पे, पतझड़ स्टार्ट हो चुका है जिसने नेचुरल ब्यूटी में भी इजाफा कर दिया है। पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, ये लास्ट टाइम आया था तब तो ये फुल था। मेरी वीडियो बना चल चल रहा है। ये सर्दियों से पहले इन्होंने ना यहाँ पे कटाई वगैरह कर दी थी, अब इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये पूरी लाइन चेक करें,